Good morning, children. How are you? Dear children, today we will read our next lesson. Lesson number 5, Meri Udaan, Meri Pehchaan. खिलौने सभी को अच्छे लगते हैं. अगर ये खिलौने मिलजुल कर रहना सिखाएं, तो उसका कहना ही क्या. आओ इस काल्पनिक कहानी से कुछ सीखें. खिलौने हम सबको ही बहुत पसंद है और हमें हर चीज कोई ना कोई सीख देख कर जाती है. और अगर ये खिलौने भी हमें मिलकर रहना सिखाएं, तो इसे हमें कितना फायदा होगा, हम कितना कुछ सीखेंगे. हवाई जहाज नीले व सफेद रंग का एक खिलौना है. इसके आसपास दो चमकदार पंख हैं. चमकदार मीन्स चमकीले. इस पर एक नीली बत्ती लगी हुई है. चलते समय यह बोलता है, मेरी उड़ान मेरी पहचान. ये जैसे जैसे उड़ता है और इसमें से आवाज़ आती है कि मेरी उड़ान मेरी पहचान. खिलौनों की दुकान में हवाई जहाज को देखकर पुलकित उसे पाने के लिए मचल उठा. पुलकित की जिद सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ. उसे खुद पर गर्व महसूस होने लगा. गर्व मीन्स घमंड होने लगा कि हाँ कि वो देखो मुझे देखकर कितनी जिद कर रहा है अपनी मम्मा से कि मुझे ले कर दो. माँ ने पुलकित को हवाई जहाज खरीद कर दिया. उसकी जिद सुनकर माँ ने उसे हवाई जहाज लेकर भी दे दिया. पुलकित ने माँ को धन्यवाद दिया और घर जाकर वह खेलने लगा. जब भी हमें हमारे माँ बाप कुछ लेकर देते हैं, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, धन्यवाद. वही पुलकित ने भी किया. बाद में उसने उसे खिलौनों के कमरे में रख दिया. वहां रखा टैडी भालू हवाई जहाज को देख कर मुस्कुराया. वह बोला, तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया. पर हवाई जहाज ने कुछ उत्तर नहीं दिया. तभी मिशू गुड़िया बोली, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे. हवाई जहाज अब भी चुप रहा. भालू का क्या नाम था, टैडी, और गुड़िया का क्या नाम था, मिशू. उसने अन्य खिलौनों से मित्रता करने की कोई कोशिश नहीं की. मित्रता मीन्स दोस्ती, फ्रेंडशिप. खिलौने आपस में फुसफुसाने लगे. उस फुसाने में धीरे धीरे बोलने लगे, यह हवाई जहाज बहुत घमंडी है. वह खुद को हम सबसे ज़्यादा सुंदर समझता है. हमारी छुक्कू रेलगाड़ी को देखो. रेलगाड़ी का क्या नाम है, छुक्कू. वह कितनी अच्छी है, हमें रोज सवारी करवाती है. एक शाम पुलकित के चाचा के बच्चे रोहित व कनिका उसके घर खेलने आए. उन्होंने कई बार हवाई जहाज को उड़ाया. वह बहुत थक गया. उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे जा गिरा. गिरने से हवाई जहाज के चमकदार पंख निकल कर गिर गए. उसके शरीर पर बहुत सी खरोचे आ गई. बत्ती टूट गई. रोहित व कनिका के जाने के बाद पुलकित घर आकर सो गया. इधर बिंगो हाथी को हवाई जहाज की बहुत चिंता हो रही थी. वह बोला, हवाई जहाज वापिस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए. देखो वो उनसे किसी से भी बात नहीं करता था, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तब भी उन्हें उसकी चिंता होने लगी. जो भी हमारे साथ रहता है हमें उन सब की चिंता होती है, उन सब का हमें ध्यान होता है. बिंगो की बात सुनकर टुक टुक कुत्ता बोला, हमें क्या जरूरत है उसे ढूंढने की, वह तो हमसे बात भी नहीं करता था. टुक टुक, तुम्हारी बात सही है, पर इस समय मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए. इन मुश्किल के टाइम में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मिशू गुड़िया ने समझाया. सभी खिलौने मान गए. वे सभी छुक्कू रेलगाड़ी को में बैठकर उसे ढूंढने लगे. अचानक उन्हें पलंग के नीचे से हवाई जहाज के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी. सुबकने क्या होता है, रोने, रोने की आवाज़ सुनाई दी. वे दौड़कर उधर गए. वे हवाई जहाज को उठाकर वापस खिलौनों के कमरे में ले आए. सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी. उन्होंने उसकी बत्ती फिर से लगा दी. खरोची हटाने पर के लिए उस पर नीला और सफ़ेद रंग कर दिया. वह फिर से सुंदर दिखने लग गया. देखो उसकी कितनी हेल्प की, उसे फिर वापस से नया बना दिया. हवाई जहाज की आंखों से आंसू आ गए. क्यों आए आंसू, क्योंकि सब वो किसी से बात भी नहीं करता था, फिर भी मुश्किल टाइम में सबने उसकी मदद की. उसने सबसे माफ़ी मांगी और सबको अपना मित्र बना लिया. उसने अपनी सवारी करवाई. अब वे सब हमेशा मिलजुल कर प्यार से रहने लगे.
तो बच्चों आज आपको ये पार्ट मेरी उड़ान मेरी पहचान को दो बार रीड करना है। ओके बाय बाय, थैंक यू।